आज के इस विशेष ओरा सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। सामान्य यस्टरडे एंड आई थॉट अबाउट दैट व्हाट इज ओरा एंड यस्टरडे आई टॉक विद द शिवानी दीनू एंड रूपा जी एवरीबॉडी एंड दोज आर न्यू जस्ट आई वॉन्ट टू आस्क from them what is aura. Shubham, what you know about aura? aura yani ek aapka jo body hai uska bhi ek energy hota hai jo dikhta nahi hai kuch kisi khas photography se wo aap dekh sakte ho par wo energy ka jo aapke sath surrounded hai wo aura hota hai. Very good. That is a one cycle of energy which is in invisible mode and it can be seen. Even Dinu can see and Jaya can see, Varsha, anybody can see, but little bit spiritual practice required for that. Even another side you can see also. Don't underestimate your own power. You also can see, but like Shubham explained us, there is a one first graphic is a Germanist Kirlin who introduced a one camera who say about the aura, the percentage of aura of a human being or any sky or any non-living thing, even living thing or any non-living thing, dono chijo ke aura hote hain. Aura means kya? You must be aware about the God. There is a God, the white circle behind that. Yes? How many aware? White circle? Normally we see. Normally in the come, we see some person, oh my God, how much grace is there. We normally appreciate in the shape of grace. Oh my God, itta grace hai. So overall, whatever we conclude in the Navratri of our all chakras, everybody aware about the chakras, that different chakra is floating different energies. Yes, hua clear hai na aapko ye cheez? Ek naya hai koi. Aapka shubh naam bataye. Aap Oppo Shad Basu ji ne. मेरा शुभ नाम सुचंद्रा पाल है गुरुजी। मेरे बेटा सुचंद्रा पाल, स्वागत है आपका हमारे डिवाइन स्टोरिंग परिवार में। धन्यवाद गुरुजी। अबाउट मी, अबाउट यू। हम इस प्रकार 8:30 से 9:30 एक ध्यान का सेशन रखते हैं और आपको बसु जी ने बताया यू आर मोस्ट वेलकम है ना। हमारे पूरे परिवार की तरफ से हम इसका स्वागत करें नए गेस्ट का। जस्ट गिव अ क्लैप फॉर हर। यू आर मोस्ट धन्यवाद। ओके धन्यवाद, थैंक यू। So, हमको मालूम है कि हमारे चक्रास होते हैं, चक्रास अलग अलग एनर्जी। ओरा कैन आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ योर माइंड, इमोशन एंड थॉट्स। अगर आप गुस्से में हैं तो आपका ओरा परसेंटेज डाउन होगा। इन दिस टाइम ओनली गॉड ईश्वर जो पंच तत्व के रूप में आकर अवतार लिया जिन्होंने, वह लोगों ने एक पूरा 100% अपना ओरा उनका था सिद्ध। अभी नाउ डेज सम सिद्ध पर्सन वी कैन सी एंड नाउ आवर क्लीन एज पर द क्लीन फोटोग्राफी हु टुक द ओरा ऑफ द डिफरेंट पर्सन इन द डिफरेंट स्पिरिचुअल पर्सन, उसका एक अलग डिग्री है कि एटलीस्ट 80-90% हम पहुंच पाते हैं। क्योंकि हम पांच तत्व का शरीर है, हमें मालूम है कलयुग में इस सतयुग से कलयुग की यात्रा में, वो सतयुग में एक देवलोक अलग होता था, असुर लोक होता अलग अलग होता था, बट आज के इस कलयुग में देवलोक और असुर लोक एक ही इंसान में है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट 100% ओरा इन ए ह्यूमन बीइंग। वह आपका परसेंटेज अप एंड डाउन होता है जिस प्रकार आपके स्वभाव से। अगर शुभम मेरी तरफ देख रहा है
और अगर इसके मन में कुछ ज्वलस भाव है किसी को देखकर, इसका ओरा चेंज हो जाएगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा ना वो चेंज हो जाएगा। अगर मन ही मन गुस्सा है, दिखाने को मुस्कान रख रहा है, तो भी ओरा पकड़ लेगा उसके। आप अपनी झूठी मुस्कान से आप समाज को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन आप वो मशीन को नहीं बना सकते। मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं, ओरा मतलब क्या? ओरा मतलब आपका, आप मिरर देखते हैं, एक मिरर, मिरर में आप बाहर की दुनिया में दिखने वाला अपना प्रतिबिंब देखते हैं। इन द मिरर यू विजुलाइज योरसेल्फ हाउ यू अपीयर फॉर अदर्स, बट इन ओरा व्हाट आर यू फ्रॉम इनर्स। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओरा एंड नॉर्मल मिरर, बट वी कांट डू एनीथिंग। एवरी पर्सन ओरा इज अ डिफेक्ट ऑन द चक्रास स्टेटस, माइंड स्टेटस, इमोशन स्टेटस। हम तो हमारे को उस लेवल पे लाना है, इसीलिए हमने कहा था, बचपन में पढ़ा था वो विभ्योर करके, सात रंगों का था, हमारे सात रंगों के चक्र हैं, सात रंगों को उन्हें एक साथ घुमाया तो विच कलर दे फाउंड वाइट। हेलो, तो हम अभी, मैंने फोन किसका अटेंड करा मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका भी एक थोड़ा वो है। कई लोग ऐसे हैं हमारे से जुड़े हुए जिनको हम नहीं जानते, आप लोग भी नहीं जानते, कभी कभी आते हैं, लेकिन वो हमसे कनेक्टेड है। और कहीं ना कहीं, अभी मैं ओरा को लेके मैं इनके बारे में बात करूं, कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल हीलिंग डे में वो काम कर जाते हैं जो कि हमें इसका, जिसका होता है डिवाइन प्लानिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओरा आपको बता रहा हूं, ओरा मैं बात कर रहा था। आप, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, इफ आई सा वर्षा, तो वर्षा के मेरे देखने में तीन प्रकार के फोकस होंगे। अगर मैं अनजान हूं, इससे कोई स्वार्थ नहीं हूं, एक प्रकार तो इसका आउटर, ये पर्सनालिटी, एक तो मैं इसके आउटर आउटफिट से देखूंगा, सोने की चूड़ी है, डायमंड है, बड़े घर की है, लाइक दिस। और जो देखने वाले दूसरे नजरिए पे हैं, वो इसके अंदर से बाहर से पढ़ लेते हैं कि ये मन की कैसी है, अंदर से कैसा। ऐसे मेरे को कोई राइट नहीं बनता कि किसी के मन का विश्लेषण करूं, बट ओरा आपका वो आइडेंटिफाई कर देता है ना। तो हमें ज्यादा डिटेल में जाना भी नहीं और ज्यादा समझना भी नहीं। अभी हम वेलकम, दीपिका, आर यू हियर? दीपिका, हाँ। नाउ फर्स्ट वी वांट टू वेलकम अवर ग्लोबल हीलिंग डे क्वीन, शी इज नॉट कमिंग इन द किचन, जस्ट आई वांट टू शेयर इन द फ्रंट ऑफ हर, शी से नो गुरुजी नो। एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ मैं आपको। माय प्रोग्राम वाज फाइनलाइज्ड टोटली फॉर द ग्लोबल हीलिंग डे, राइट? And I was concerned about my fit out dresses. When I have to go USA, oh my God, because I have not found off any my clock. मेरा बिल्कुल शौक नहीं है मेरे कपड़ों पर, लेकिन बाहर की दुनिया तो आपके कपड़े देखकर आपको मानती। तो fortunately मेरी दीपिका से बात हुई एक बार, गुरु जी बाहर जा रहा ना आप अपने कपड़ों की चिंता मत करना। अरे मैंने कहा बेटा तू कहां से सिलेगी, कहां मेरा नाप लेगी, जबकि शी यूज ओनली इंटरनेशनल वर्क करती, बाकी लोकल इंडिया में किसी का काम नहीं करती। बट एज ए गेटिट्यूड मैं पहले ही बोल रहा हूं, आप केवल बाहर का काम है, वॉलेंटरी शी सेड मी। बोले गुरु जी आपका फिट आउट में बना के भेजो। एंड रियली मैंने सोचा क्या भेजेगी, मेरे को कुछ तो पहले साफ बताऊं दीपिका मेरे सामने, मुझे लगा मन रखने की, बोले उनके छोड़ो यार अपन कहा लड़की को तकलीफ दो, इतनी बिजी रहती है लड़की सुबह से शाम तक। बट डेट पे मैंने बोला आप किसी टेलर को बुला लो, मैंने टेलर को बुला लिया, तो मेरा भी नाप लिया, आरती का भी नाप लिया, और टेलर ने इसके कोई कर्मचारी के थ्रू,
और मैं भूल गया, मैंने कहा अभी क्या भूल जाएगी, नाप तो ले गया अभी 4-10 दिन पहले तो नाप ले, he took the measurement before 10 days of the session. How I can expect that I can get my, एक बार इसको कॉल लगाया, मैंने कहा बेटा परचेस करने जा रहा हूँ यार, मैं बाहर कुछ खरीदने मेरे लिए. गुरु जी आपको जाने की जरूरत नहीं है, डोंट यू नीड टू गो, आपको आपका पार्सल 7 तारीख को मिल जाएगा. मैं दुविधा में, देखो मैं क्लियर बोल रहा हूँ तुभी का तुमको बेटा, मैं दुविधा में, अरे यार आएगा कि नहीं आएगा. अरे हम कह रहे हैं यार वो दीपिका झूठी बोलेगी बेटा, मेरी वो इतना कनेक्शन है, पहले भी एक बार मेरे को भेज चुकी. ओ माय गॉड, 7th को मेरे घर पार्सल आया, उसमें मेरे पांच फिट आउट थे, 3 तो थे, और मुझे गाइडेंस मिला, गुरु जी आप एक ग्लोब, मतलब आंखों में आंसू आ जाते मेरे को, यार मैं कौन हूं यार, क्या करा. लेकिन उसका कमिटमेंट, नहीं आप मेरे पहन के जाएंगे, मैं नहीं जानती आपको, आरती जी भी आपका वो पहन के जाएंगे, मैं बना के भेजूंगा. जिस प्रकार आपकी खुद की बच्ची आपसे जिद करती है, और उससे भी ज्यादा मान लो वो कमिटमेंट, वो जिद थी, नहीं गुरु जी आप मेरे ही कपड़े पहन के आओ. मैंने कहा बेटा बोले पैसे की बात नहीं करना, मुझे बात करना बंद कर दूंगी आपसे. मैंने कहा यार थोड़ा कई चीजें ऐसी आपके इमोशन, सबके सामने वाले के इमोशन भारी हो जाते हैं आपके कोई प्रिंसिपल से. मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा, really whatever I am paying the gratitude to the Deepika and her parents, she got a such type of brought up and culture, are committed to the guru. But guruji main bhejungi waqai aaya hai. Aur every healing session mein maine US ke wale Seattle ho kya ho Deepika ne mana, to hum sab milke, ke global healing day mera nahi tha, hum sab ka tha. Door raat Deepika ke liye hum taali bajaye, जो कि सेशंस में कम आ पाती है, पहले रेगुलर थी, उसके बाद भी कनेक्शन हमारा ऐसा है कि कुछ भी ये होती है, मेरे को फोन आता है, मैं इसको कॉल करता हूँ, तो मे बी आई वर्क ऑन माय वाइब्रेशन. तो आई थॉट, मैंने कहा इसका फोन आया तो मैंने इसी को बोला, मैंने कहा दीपिका आएगा तो दीपिका को, मेरे को भेजा है नहीं, हमारा कलेक्टिवली हमारा थैंक जाना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ आप लोग मेरे साथ में रहते हैं. तो शी सेंट मी Hurt out all. Thank you again, Deepika, from the behalf of our family. Not saying my family. You are our my. Guruji, it is my pleasure. Absolutely my pleasure. मैं हूँ आपका बेटा ही हूँ. आपको पता है. तो मैंने बोला, मैं क्या बेटियों से हम करते नहीं. बोले बेटी किन्ने बोला आप मेरे बेटे. मैं आपका बेटा हूँ. I am your son. और इसका सी लगने वाली कड़क आवाज तो फिर आप कुछ बोल नहीं सकते. वेन आपका बच्चा जब जिद में बात करता है तो आप गुरुपंथी भूल जाओ, आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा. तो थैंक यू वेरी मच अगेन, एंड रियली शी इज सो कमिटेड. और दूसरी चीज, आप ग्लोबल हीलिंग डे के दिन ये ड्रेस पहनोगे, आप यहाँ पर यहाँ पहनोगे, वहां पर टेम्परेचर कैसा रहता है ठीक है, वहां पे गर्मी रहती है, उस हिसाब से बना के भेजा देना. मुझे तो मालूम ही नहीं भैया कि ऐसे ही फिट आउट होते हैं, जो कि सीजन्स के ऊपर डिपेंड करके कलर डिपेंड होते हैं, और वो प्यारे इसने बना के भेजे कि आपके गुरुजी जो दिख रहे थे ग्लोबल हीलिंग डे में, ऑल केडी गोस टू आउटर फिटिंग की. मुझे आपकी पिक्चर्स देख के मैं खुश हो रही थी, देखते मेरी बेटा रियली आए, वो किसी को ग्रेटिट्यूड क्या यार, सो ये थी और मेरे पास आ गए. नहीं तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस कैटेगरी के मैं परचेस कर लूं. सिंपल बता रहा हूँ ना, that is so costly, I never expect that I can do and I can do the purchase. तो फिर इसको मैंने करा, मैंने कहा माय गॉड ये कहीं डिवाइन प्लानिंग कर रही है कोई. मेरे मन में विचार आया था कि कपड़े का क्या होगा, वो छुरी का फागे चल के फोन आ गया. और देखो इसमें करता भाव ना दीपिका के मन में ना मेरे मन में, कोई नहीं, शक्ति ने इसको एनर्जी को भेजा. ये तो इतनी बिजी रहती है, इतनी बिजी रहती है कि आप तो मैंने इसको हार्ड ओपन तो डिसेबल हो जाती है. But she is whole soul one girl, so you got already thanks from us, sir, and we are always paying the gratitude. And तेरे पे जवाबदारी आ गई, जब भी कोई global healing session होगा, तेरे को मेरा outfit बना के भेजना पड़ेगा. और really मैं pleasure. हाँ? मैं कह रही हूँ मेरा pleasure है गुरुजी. Perfect, always. और ये है ना, मैं है ना divine का flow छोड़ता रहता था. दूसरे लोग जो आते हैं ना, बड़े-बड़े pain के आते थे, बड़े डॉक्टर बन के, मैं सोचता था यार ये ऐसे कपड़े कहाँ से लाते हैं यार, उससे अच्छे बना के मेरी बेटी ने भेजे. फिर सोचता हूँ भगवान क्या मतलब यार, कहाँ जब चाहे, जब आपको जो चाहे भगवान सुविधा भेज देता है.
और आपके अपनों के माध्यम से यू कैन सी फ्रॉम माय फेस द ग्रेटिट्यूड। ये टूवर्ड दीपिका तक फाइव एलिमेंट बॉडी है, कुछ समय रहेगी, हम सब रहेंगे, जो सोल अंदर है, जो ब्रॉटअप हुआ है, उसको क्रेडिट जाती है। वो न जाने कब किसका कौन सा कर करके मेरी तकलीफ को दूर कर रही है, मेरे को इसको मतलब मैं उसको इन्वॉल्व नहीं करता, कोई कंडीशन पुटअप नहीं करना चाहता। सो थैंक यू वेरी मच दीपिका, चलो ब्लेसिंग्स वी कंट। वुड यू लाइक टू से समथिंग? Of course, Guruji. I don't know if you passed on my compliments. I had given this when you were there in the hotel. I had asked Aarti ji. Aarti ji, is bar jo silaye ne aapki, you know, kapde silaye hain. He's done an excellent job. Pass on my comments. Pata nahi agar whoever it was, it had to reach and it was amazing. I complimented on it. And Deepika ji, all the outfits were excellent. And the one that Guruji was wearing on Padapuja day, the blue one, as he says, so royal, in that royal peacock blue, right? Extremely royal. And even the one elegant, even the one on Global Healing Day that he was wearing with, I think, with peacock. It had, if I recollect, with those big buttons and peacock, right? It was amazing. And both Aarti ji's and Guruji's, dono ki compliment kar rahe the because they were the same color, right? Like it was a pair. Maine bola shayad Guruji bol chuke hum. Yeah, it's the pair pattern, right? And मैंने आरती जी को बोला इस बार जो भी आपके कपड़े ने कपड़े बनाए हैं उनको हमारे कॉम्प्लीमेंट पहुंचाए and I'm that's why I couldn't control. I was waiting for Guruji to exhibit his emotions before I, you know, stepped in. It was very well noted. It was amazing. It was royal, elegant, matching. Thank you much on behalf of all of us. Thank you so much. Have you looked at the Facebook videos? Yeah, I saw the videos. And the blue blue was extremely royal on the Padapuja day that he was wearing. And I Guruji ko kuch outstanding kapdon ki zarurat nahi ho sakti. He has that aura. But yeah, he has that aura. It's aura. Just that I wanted something to match with his, his personality and his aura. So I was like, let me just try my best what I can. With whatever time I had. Yeah, Aarti ji also. They were very happy. And we are guided. Yeah. Ye pehnoge aap. Aarti ji, ye pehnoge aap. Ye pehnoge. Means, okay, we will follow your guide. Toronto mein ye pehnoge. So, mere ko kabhi lagta nahi. Abhi time nahi mila tha chappal lene ka, nahi to. Arey, wo to chhod beta. Tera us kitna video shooting mein aur hamare ko mental stress mein the hum. Ab mainke kapde aap bhi gaye, mainke aayenge ki nahi apne ko yaar ulte seedhe nahi chhodna. Kyunki bhai दिमाग तो दौड़ता है, फिर मैंने जो देखा पहन के सब को फिट आ गया। तो जस्ट मेरे फीलिंग्स में आपको एग्जिबिट कर रहा था, आपने समझा होगा कि पहली समझी होगी आपने कि आपको अनजाने हो जाता है। इवन दीपिका ने भी नहीं इस प्रकार से सोचा होगा कि गुरु जी ऐसा करके मेरा वो करें। बट इट्स अवर मॉरल ड्यूटी टू पे द ग्रेटिट्यूड फॉर द सिंपल सिंपल थिंग, बट शी डिड द वेरी बिग थिंग। और रियली आई अप्रिशिएट हर फीलिंग्स एंड इमोशन toward the devotion to Govinda Guru. Now, we are coming again back to the aura. So, Deepika, what you can understand from the aura, now you say. Have you heard about the name aura? Yeah, Guruji, I know. I've heard about aura and I've heard that everyone has their own aura. And the more you're, I won't say the more you're connected, but yeah, I don't know much about it, but I know that okay. हम सबका एक अपना प्रेजेंस और एक अपना ऑरा होता है, दैट्स ऑल। बानो, वुड यू लाइक टू से अबाउट ऑरा, व्हाट यू कैन से, बिकॉज़ फाइनली आई विल कंक्लूड देन वी गो फॉर द ऑरा मेडिटेशन। बानो, नाम गुरुजी, ब्लेसिंग्स। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सनस थिंकिंग एंड हिज पर्सनालिटी एज वेल, हाउ ही थिंक्स, हाउ ही बिहेव्स। So, it, like he has negative thoughts, it might be a little less, and positive thoughts and positive way of approaching, it might be like as brighter as he thinks. That's what I'm thinking. Okay, very good. Basuji, you would like to say something? Yeah. Yes. Am I audible? Yes. So whatever you are gramming from your five senses throughout your life, according to that, your aura comes from your body. Very good.
the same thing is come on that with the chakras. And what is the five sense organs, especially our second room? Second room is totally responsible for our aura. Okay, now Swati, kal niti tu ya aaye beta. What do you know about the aura? प्रणाम गुरुजी. हाँ जी गुरुजी, मुझे लगता है ऑरा हमारे अराउंड होता है, पूरे बॉडी के अराउंड. और जैसे सबने कहा कि वो हमारे थॉट से बढ़ता घटता रहता है, पॉजिटिव से इंक्रीज होता है, नेगेटिव से कम होता है. और दूसरों के थॉट से भी इफेक्ट होता है कि अगर कोई बैड थॉट्स दे रहा है तो उससे भी ऑरा इफेक्ट होता है. तो इसलिए हमें अपने आप को प्रोटेक्ट, एक कवच रखना चाहिए ताकि हम प्रोटेक्टेड रहे. चलो ओके एवरीबॉडी, आई थिंक एवरीबॉडी इज ओवर नाउ. प्रतिभा नहीं थी तू कल, बता. हां जी गुरुजी नमस्कार. मुझे लगता जी कोई बात नहीं, मैंने सुना था. मुझे लगता है कि लगता है कि ऑरा आपका एनर्जी है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड है. वेरी गुड. आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं ये आपका और है. नहीं, आप आपके जो मन की स्थिति है वह ओरा के माध्यम से एग्जिबिट होती है. सो ओरा इज वी डिसाइडेड, ओरा इज ए जस्ट सिंपल वन आभा मंडल, वन सराउंडिंग्स ऑफ ए पर्सन्स बॉडी. एंड स्पेशली लाइक बसु स्पोक अबाउट सेंस ऑर्गन्स, मेन द सेंस ऑर्गन इज द रिस्पॉन्सिबल, है ना. तो दैट्स व्हाई द ऑल ओरा डिवाइडेड ऑन द बैक ऑफ द हेड. नॉर्मली स्नो व्हाइट कलर फ्रॉम एनी डिवाइन पर्सन आर एनी डिवाइन एंजल, डिवाइन गॉड, ऑलवेज यू सी द व्हाइट सर्कल, स्नो व्हाइट. व्हाई आई एम अगेन सेइंग, बिकॉज द सेकंड रूम आर हियर. He say whatever, if I am seeing Swati, from which way, in which intention I am looking Swati, as a daughter or as a friend, as a sister, or from any other eyes, it exhibit in my aura. Simple word, don't involve too much. So that's why the especially girls, they have the sixth sense, they can identify the face. Oh my God, this is also one part of it. But my intention, how you increase your aura, so how you control your mind in a good stage. Somehow, our life, if we are taking the breath, pain and sorrow will come together. We cannot say only we need a happiness. If you are taking the breath, always in and inhale, exhale. So always think, sometimes pain, sometimes sorrow, state of mind, always change. But with the help of our meditation practices, spiritual practices, we try to keep in the same stage. In the Lord Krishna say, somehow, equally, not too much in the pain, not too much happy in when the happy moments, not too much feel sadness when you are in the pain. You can sit, you can feel some persons also. Those are my God, you cannot identify their face. I have my one friend, his name is Rajesh Nagar. Whatever pain, you cannot judge by his face. And how much he is happy, may possible one day he commit the 5 crore rupees. You cannot guess from his face. And if he had the loss of 10 crore rupees, you cannot guess the face. That is the ability, how we control and how we exhibit our emotions. Oh my God, kisi ko ho jao, aur guru mera nuksan ho gaya. But there are, I see the, I am not saying that all spiritual people took the responsibility to maintain the aura of 80% to 90%. Sandeep, mute yourself. Okay, so lot of other human beings, maybe possible you had seen in your life,
some person you will see, oh my god, kitna bhi khush ho jaye kuch. So it's all in our, if we control our sense organ, it will be control your aura. This aura is not useful for you. A aura useful for someone else. How you look. If one Mukesh Ambani's son go in a hotel, 5-star hotel, with the torn cloth, they will stop. वही एक गरीब का बच्चा रेमंड के सूट पहनकर चले जाएगा तो वो गेट खोलेगा. तो इट इज योर आउटर लुक, इज आउटर प्रेजेंटेशन. दे आर नॉट दिस बॉदर फ्रॉम इन साइड वॉट यू आर. बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज ए गुरु आई एम मोर बॉदर्ड. I least bother about outer world. I least bother from inner world how you are. And as a fashion designer, fashion, you done a duty like Deepika ji and other lot of people are here. Those are, they are concerned how person look better from outer side. And you can see, I am a one interior decorator. How a person can be same in the happiness of sorrow. तो आध्यात्मिक लोगों की चाहता है, मैं हर व्यक्ति आध्यात्म में कोई अपने ऊपर ठप्पा नहीं लगाना चाहता आध्यात्म का. एक मेरा प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति को दुख में और सुख में सम भाव में लेकर आऊं. अगर कोई उदास बैठा है उसको भी एक अपडेट में लेकर आऊं, और अगर कोई खुश है तो उसको भी एक स्टेटस में लेकर आऊं, बेटा ये क्षणिक सुखी है, ज्यादा खुश मत हो. एंड इट वर्क लॉट आवर हैप्पीनेस एंड द आशुतोष. यू मस्ट बी आशुतोष राणा. Reel is viral on that video. He said, as per him, when person, when you are in the trouble, the trouble not give too much pain, but your trouble come to know by others. And when you come to know that your pain has come to know by others, that time you feel more pain. मतलब यही है कि मैं को दर्द है, आपका दर्द आपको इतनी तकलीफ नहीं देता, पर आपका दर्द है आपके पास, वो दूसरों को पता लग जाए तो वह ज्यादा दर्द देता है. सहमत है? लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं. क्यों? क्योंकि हमारा ब्रॉटअप भूल गया. हमारे यहां सिखाया गया है, वेदों में लिखा गया है, आपकी खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है. मैंने मैसेज किया उसको, आशुतोष राणा को, उसके उसी को मैंने ब्लॉग बनाया. आई हैव हिज मोबाइल नंबर, कोटेड दिस. बट आई अगेन रिवर्ट माय वर्ड, बिकॉज ये कलयुग है और ये कलयुग में एंजल प्रॉपर्टी, डेविल प्रॉपर्टी, बोथ आर टुगेदर. तो वी हैव टू कीप ए प्रॉपर बैलेंस टू हुम वी शेयर. किस व्यक्ति से हमारा पेन शेयर करो और किससे ना करो, ये थोड़ा ज्ञान आपको होना चाहिए. मैं एक दूसरे शब्दों में बात करता हूं आपसे. आप पूरी तरह उसी के सामने खोलो जो आपको ताकत रखता हो पूरी तरह से बांधने की. इसको थोड़ा रॉन्ग वर्ड में ले तो आप उसके सामने ही निकट हो जो आपको वापस कपड़े पहनाने की ताकत रखता. वो खुद परेशान है, खुद टेंशन में, उससे आप अपना पेन शेयर करो. नेकेड इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशंस, नॉट अबाउट द क्लॉथ. आप अपना दिल के उद्गार उसे से करो जो आपको लगता है कि मुझे मरहम देगा. नाउडेज हम किसी से भी शेयर करने बैठ जाते हैं, अरे मेरे को क्या बताऊं, अरे मैं तो, वो बेचारा खुशी खुशी बात करा, वो आपका मोबाइल हटा के सुनता रहेगा, और मैं क्या करूं, उसको क्या करेगा वो, क्या मतलब. आपका पेन है, आपका दर्द है, आपको सहना है. ये सब अब नाउ आई कम ऑन दैट स्टेज, आई डोंट वांट टू लिसन द पेन, आई जस्ट कम ऑन द पॉइंट. कुछ डिस्कस करने से फायदा होगा नहीं ना, कम ऑन द पॉइंट. व्हाट एवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको सॉल्व करके प्रैक्टिकल हो. तो दिस टाइप ऑफ बेगर्स कॉल्ड द बेगर ऑफ एपैथी. To share their pain, they say, oh my God, just get the sympathy. Oh my God, yes, Guruji, आपके साथ तो कितना गलत हुआ, और मेरे साथ, वो खुद परेशान है आपसे ज्यादा. तो never share your pain to anyone.
even never share your happiness. But यह सोचना आकलन आपका होगा, ये ओरा स्टेट रहेगा कि मेरे सुख को सुनकर कौन सुखी होगा और कौन मेरे सुख को सुनकर दुखी होगा, क्योंकि आज की तारीख में इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना किसी दूसरे के सुख से। ये कलयुग है माय डियर फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ ओरा वी जस्ट वांट टू कीप अवर इन द संभाव। हमारे कानों का उपयोग कैसे हो, हमारा आंखों का उपयोग क्यों, हमारे शब्दों का उपयोग कैसे हो, वही एक वस्तु उसको देखने की भावनाएं अलग अलग, वही एक लड़की एक महिला उसको देखने की नजर अलग, कोई एक पुरुष उसको बहन के रूप में देख रहा है, एक पत्नी के रूप में देख रहा है, एक माँ के रूप में देख रहा है, और एक रिलेशन में जो भी रूप में रहते रहा और एक गलत निगाह से देख रहा है। Got it? मेरा आप समझे मतलब? तो हमको ये सब का चुनाव करना पड़ेगा और उसके लिए आप लोग ब्लेस हो, और हमको करना पड़ेगा कि वी आर जस्ट, इफ यू जस्टिफाई योर ऑल रिलेशन आई एम श्योर नथिंग डैट, डोंट बिकम ए जज फॉर एनी रिलेशन। मेरा भाई दिक्कत दे रहा है, मेरी बहन दिक्कत दे रही, मेरी बहन बात नहीं कर रही तो मैं बात कर लेता हूँ यार जाके, सो शी डोंट वॉन्ट टू टॉक विथ मी। आज से कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मेरी बहन मुझसे बात नहीं करती, मैंने कितनी बार बात करने की कोशिश की उससे, उसने बात नहीं की, ये दो अलग अलग चीज हो जाती है। इट इज वन टाइप ऑफ एक्सक्यूज दैट माय सिस्टर डजंट वांट टू कॉल। हाउ मेनी कॉल्ड यू टाइम कॉल्ड, मोस्ट ऑफ द रिलेशन ऐसे ही है। एक बार मैंने स्वाति को फोन लगाया, स्वाति ने फोन नहीं उठाया, दो बार लगाया स्वाति ने उठाया, घट मेरा फोन ही नहीं उठा दी, मैं स्वाति को फोन लगाऊं। जया ने बोला गुरु जी स्वाति से बात हो रही है, अरे क्या स्वाति मेरा फोन ही नहीं उठा दी। इतना विश्वास होना चाहिए कि स्वाति ने मेरा फोन नहीं उठाया, शायद स्वाति परेशान होगी, कोई ना कोई कारण होगा। मैं हमेशा यही करता हूं, अगर कोई सेशन में नहीं आता है, मैं मतलब आपको बता रहा कि सर्टिफिकेट नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन इट्स माय नेचर, व्हेनेवर आई से आई ऑलवेज से हेलो, ये क्या बात है यार, इसको प्रॉब्लम है क्या, कुछ बात नहीं कर पा रही, ये नहीं कर पा रही, फोन नहीं उठा रही, तो आई कॉल्ड अप द सराउंडिंग पर्सन, नॉट इन ए कंप्लेनिंग वे। ओके, सो आज हम ओरा मेडिटेशन करेंगे इस बात का प्रिकॉशन लेते हुए और इन लोगों का चिंतन करते हुए कि आपके जीवन में कितने लोग ऐसे हैं जिनसे आप अपना खुशी शेयर करोगे, उनको दुख नहीं होगा। ये आप में हो सकता है, आप ऐसे भी बोल देते हो, और कई लोगों को तो आप चिढ़ाने के लिए बोलते होगे, देखो ये बुरा चाहता था मनु, वो नहीं करना। और आज कितने लोग आपके जीवन में जिनसे आप अपना वो दिल का कमरा, वह दिल का कमरा जिसमें किसी को आने नहीं देते, कि वो चंद लोग जीवन में माता पिता गुरु, माता गुरु भी नहीं, माता पिता बंधु और दोस्त, ये चार रिश्ते हैं, इन चार रिश्तों को मिला के गुरु का रोल बनाया, ठीक है ना। इसीलिए मेरे को नहीं मालूम किस किस के साथ मेरा एक हूं एक शरीर, आप लोग सब गुरु के रूप में देखते हैं, मैं किसी को बेटी के एलिमेंट में देखता हूँ, किसी को शिष्य के रूप में देखता हूँ, किसी को माँ के रूप में देखता हूँ, प्रतिभा की मदर भी बड़ी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो जैसा जिसकी फीलिंग से, और मेरा मानना ऐसा है जिसको जो रिलेशन की वैक्यूम है वह रिलेशन है, उसके गुरु से नहीं मिले उसको तो वो गुरु खत्म, दैट गुरु इज नॉट डूइंग द जस्टिस विद द शिष्य। जो रोल के गुरु, कम मैं कई लोगों से ऐसे दोस्त के रूप में ही बात करता हूँ प्रॉपर, उसके साथ दोस्त बन के, क्योंकि अगर भाई दोस्त नहीं है सके, आज के जमाने में स्वार्थी दुनिया है, दोस्त भी स्वार्थी बैठे, दोस्त यूज करने वाले हैं, तो आज की तारीख में आपको अपने से बचने के बजाय बाहरी दुनिया से बच के रहना है। आप अपने इमोशंस बोल रहे हो और वो आपको कस्टमर समझ के आपके इमोशन परचेस कर रहा है, आपको मालूम भी नहीं, और कहां कहां सेल कर रहा है ये भी नहीं मालूम। इसीलिए आपको अपने नेवल के ऊपर हमेशा ध्यान रखना, नाभि पे, कोई भी कुछ भी बोले आपको, कैसे भी बात बोले, अगर आप उसकी बात किसी और को बोल रहे हो तो ये सोचो क्या इसका उसमें फायदा है, नहीं है। इसीलिए गुरु की बात सुनाता हूं, एक ने बोला गुरु जी मैं आपको बात बतानी, बोले एक बार वह बात
सुनकर कुछ मेरा फायदा होगा क्या या मेरे ज्ञान में बढ़ोतरी होगी क्या? बोले ऐसा गुरुजी नहीं, ऐसा नहीं है। वह बात जो तू मुझे बोलने जा रहा, क्या तेरे आंखों के द्वारा देखी गई है क्या, कि कानों के द्वारा देखी गई है, या तू कंफर्म है उस न्यूज के ऊपर जो मुझे बोलना चाह रहा? बोले गुरुजी मैं कंफर्म तो पूरा नहीं हूं। तो बोले तू मुझे ऐसी खबर सुनाने जा रहा है जिसमें मेरा भी फायदा नहीं होगा और वो न्यूज कंफर्म भी नहीं है, तो मतलब तू मुझे बोले ही मत। सही, सिंपल। कोई भी गॉसिप करे ना, आप पहले बोल दे कि बेटा ठीक है, वो नहीं रोके तो आप रोक दो, इसमें आप उसका भी हित करोगे। अगर आप उसमें रस लेने लग गए, अरे तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अच्छा वो ऐसी है, ऐसा है, फिर जो आप सब प्रचलन होता है गॉसिप, ये गॉसिप बंद हो जाए तो आधी किटी पार्टी बंद हो जाए हिंदुस्तान की। चलो एनीवे, बहुत ज्ञान दे दिया। अब अपन आते हैं ओरा पे। अब देखिए आपका ओरा क्या है, आपकी बॉडी है ना, हमने अभी तक अपनी बॉडी को सीरियसली लिया ही नहीं। आपकी प्रेजेंस बॉडी में कहाँ है? आज मैं सोचूं तो आई कैन गो सी इट इल, आई कैन गो दैट ऑल एंड आई कैन थिंक अबाउट कृष्णन जी, जया जी, धीरज जी, ये तीन पिलर थे मेरे ग्लोबल इंडिया में, इन सबको याद कर सकता हूँ, उस स्थान को याद कर सकता हूँ। अमेरिका कितनी दूर है, बट भगवान ने शरीर को इतना, एक डॉग सोच सकता है वो सोच सकता है क्या? एनिमल नहीं, वो तो भूल जाएगी, भूल जाएगी। आप में इतना पावर है कि आप नीति स्मृति को इतना एक्सपेंड करके वहां तक पहुंच सकते हो। इतनी बड़ी विशेषता है आप में, कितनी क्वालिटीज दी ऊपर वाले ने आप में, लेकिन हम लोग उस पे जाते हैं। और दूसरा, बड़े से बड़ा कितना विशाल हो, और छोटे से छोटे आप कितने भी हो, कि आज आपके सर में एक बाल टूटता है उसके दर्द का भी एहसास होता है। तो मिस यू आर इन द प्लेस, उस सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान पर भी आपकी प्रेजेंस है, और बड़े से बड़े स्थान पर भी आपकी प्रेजेंस है। बट हमें सूक्ष्मता की ओर जाना या विशालता की ओर जाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और सूक्ष्मता से विशालता की ओर केवल आपको ज्ञान और ध्यान ही ले जा सकता है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इस प्रकार का ध्यान करते हैं जिसमें आपको आपकी विशालता का अनुभव हो, और आपको कितने छोटे भी हो, आज बताओ। मैं बहुत तारीफ करता हूँ, मेरा इतना करोड़ का प्रोविजन का कोई बिजनेस बना, अरे थोड़ा सा ऊपर उठो। एक बोलते हैं टीचर हमको बहुत अच्छा, वो शेयर करना चाहूंगा कि आप क्या हो। मुकेश अंबानी की एक एग्जाम्पल है, मुकेश अंबानी क्या है, एक छोटा सा उसका मकान है बॉम्बे में एंटेलिया, मुंबई ऊपर है, वही जा से जाओ तो देखना बंद हो जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन भी ऊपर से देखो तो कीड़े मकोड़े दिख रहे, तो उस ब्रह्मांड के आगे आपकी सफलता आर्थिक हो आध्यात्मिक कुछ भी नहीं, ऊपर से आपके प्लांट दिखेंगे ही नहीं। पर आप बड़े खुश हो रहे हो, मेरे पास इतने स्क्वायर फीट जमीन है, मेरे पास ऑफिस है, हम लेके बैठे, कुछ नहीं। आपके मोहल्ले में हो सकता है आपका बड़ा मकान हो, मानता हूं मोहल्ले में आपके एरिया में बहुत बड़ा मकान है, आपको इस भ्रम का भ्रम है कि मेरे मोहल्ले में बड़ा मकान है। अरे मोहल्ले से थोड़ा बाहर चलो, क्या आपके शहर में आपका सबसे बड़ा मकान है? हो सकता है आपके शहर में भी आपका सबसे बड़ा मकान हो, आप अपनी सिटी के नंबर वन हो आपका मकान, लेकिन क्या आपके प्रदेश में आपका सबसे बड़ा मकान? इफ दीपिका इज लिविंग इन द दिल्ली, दिल्ली दीपिका को बहुत बड़ा मकान है दिल्ली में, तो क्या पूरी जो कंट्री दिल्ली जो प्रदेश है क्या वहां पर भी है? नहीं, वहां पे भी है। चलो क्या पूरे इंडिया में है? इंडिया में भी मान लो, चलो भला हम दोस्त सोचे मुकेश अंबानी का मकान इंडिया में सबसे बड़ा इतने स्क्वायर फीट घेरा, जो छोड़ो क्या एशिया में है? एशिया में तो मुकेश अंबानी से बड़े बड़े मकान मिलेंगे, वो एशिया में भी चलो नंबर वन पे है, तो क्या पूरे ग्लोब में? कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धि पे अगर कहीं अहम आए अपने को, व्हेनेवर यू हैव द एनी ईगो ऑन योर अचीवमेंट्स, जस्ट थिंक अपर साइड, ऊपर।
और जब आपको ऐसा लगे कि अरे यार मेरा जीवन तो बहुत छोटा है, और मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और मेरा तो यही खराब है, फिर आपको सोचना कि आप कहां नहीं हो। अरे आप में इतनी शक्ति है कि भले मेरे पास पैसे नहीं है, भले मेरी शारीरिक क्षमता खराब है, मैं तो मेरे एग्जाम्पल देके रखता हूं, मेरी शरीर की स्थिति भी ठीक नहीं, चलो फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक नहीं, अगर आपका इंटेंशन है तो मैं 22 कंट्री घुमाया, कपड़े आप ऑटोमेटिकली मेरे पास दीपिका जैसी बना के भेज देती, आपके मन के विचार किसी और के लिए कुछ करने की ताकत हो तो आपके काम अपने आप होंगे। इसका एग्जांपल लाइव मैंने आपको दीपिका को दिया, आई वॉज वेटिंग और आई डोंट वॉन्ट टू कॉल द दीपिका यू कम इन द सेशन, वो समझ जाती मेरी तारीफ करने बुलाएंगे आती भी नहीं, आज फॉर्चुनेटली इसका मैसेज आ गया। ऐसे दीपिका जी न जाने कितने लोग हैं मेरे साथ। इवन वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू, करना नहीं वो, उसमें थोड़ा कॉम्पिटिशन हो जाएगी इसलिए नहीं कर सकता मैं, लेकिन कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन एक बात है कि हर व्यक्ति एक मिलकर एक कोई ना कोई उत्सव का आयोजन करता है, हर व्यक्ति के हाथ लगते हैं, और अगर मैं बोलूं ये तो केवल कृष्णा गुरु जी ने करा, सॉरी मैं तो नहीं करा, मैं तो एक माध्यम बना था, एक पपेट बना था, पिक्चर बना था, बस मेरे साथ जुड़े हुए न जाने कितने लोग थे, वो भले हर्ष हो या भानु हो या दीपिका हो या जया हो या दीनू हो, वो अपने आप को उसके फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन कभी लाइफ में कंपेयर मत करना अपने आप, अपनी प्रेजेंस को, स्पेशली मेरे साथ नेवर। आप इमोशनली इतने कनेक्टेड हो कि आपको सब कहूं मैं क्या कर दूंगा, कोई जादूगर तो हूं नहीं कि आपकी हर इच्छा पूरी कर दूंगा, कोई भाव इमोशन से आप आते हो सेशन में, दैट इज द मेन थिंग, मेन अर्निंग फॉर मी। तो एक कोई काम करते हैं उसके लिए बस आपका इंटेंशन अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है, तो आपकी एक्शन भले बिगड़ भी जाए तो भी आपके काम, आपके सपने सब पूरे होंगे। मेरी सोच थी कि यार मैं आउटफिट वगैरह कहां से बनाऊं, दीपिका का फोन आ गया, मैं बना के भेजूंगी। बस ये देखो मेरे मन में आया यार शिव जी, ऐसा नहीं मैं केवल मैं ही लायबल हूं, आप लोग भी हैं। मेरे मन में आया यार शिव का स्थान जाना है, थोड़ी 5 मिनट फोन आता है, कृष्णा अमरनाथ चल रहा है क्या, मैंने अमरनाथ नाम ही नहीं सुना था, उनके बहुत दूर है, बोला नहीं सब हवाई जहाज से हो जाएगा। बस आपके इंटेंशन साफ रखो, किसी का भला करने के मन में भाव हो, किसी का बुरा करके अपना भला करने के भाव नहीं हो, आपकी ईश्वर, आप स्वयं ईश्वर बनेंगे, जो चाहेंगे वो होगा। अरे आपके चाहने की भी जरूरत नहीं, बगैर मांगे आपको मिलेगा, सोचो सही उस लेवल पे। कब तक अपनी छोटी मोटी समस्याओं में उलझे रहोगे, मेरा पैसे की प्रॉब्लम, पति नहीं प्रॉब्लम कर रहा, ये नहीं कर रहा, बच्चा नहीं कर रहा, बच्ची की शादी नहीं हुई, से ऊपर उठो। ओके ज्यादा ही बोल गया शायद मैं, एनीवे सो यू जस्ट कीप द बोथ हैंड लाइक दिस, दोनों हाथ सामने रखो। ये दो स्टेज में आज मैं करूंगा, पहली स्टेज में आपको आपके दोनों हाथों को स्पर्श करना आपके गालों पे, ठीक है, एंड वॉट एवर थॉट्स वॉट एवर इमोशंस कम यू जस्ट अवेयर, उसके पीछे अवेयर हो जाओ, और आपको लगे आपका फ्री टाइम है अवेयर, तो अपना ध्यान अपने हाथों में और अपने गालों के स्पर्श होने वाले स्थान पर लेकर आओ। पहली स्टेज ये, सेकंड आप आंखें खोल के देखें, सेकंड स्टेप में मैं हो सकता हूं आपके कानों को, आंखों को बंद करने का बोलूं, तो अपने आंखों को बंद करके चेहरे को ढक ले और दो दो उंगलियों के बीच में आपके नोस्टल्स हो ताकि आप प्रॉपरली इनहेल कर सकें। उसके बाद मैं बोलूंगा आपके कवर योर हेड, तो अपने कानों को भी अपने गालों पर हाथ रखते हुए कवर करें। तीन स्टेज में आज का मेडिटेशन होगा, ओके तो जस्ट मेरी स्टेप्स आप समझ लें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। योर हैंड विल वर्क लाइक ए डिवाइन एंजल हैंड्स। ये तीन सेशन में आपको मैं रिलीज करवा दूंगा कि आपके हाथों में वो जादू है। ओके जो फर्स्ट रब योर हैंड लाइक दिस करें आप, जस्ट
right? Keep an attention on the navel area. तो ना करेंगे तीन बार ओम का वाइब्रेशन करेंगे हम अभी चालू नहीं हुआ कौन कौन अनम्यूट कौन है जाए जी म्यूट कर दें आपको सबको आगे क्योंकि आईज क्लोज अटेंशन ऑन नेवल एरिया टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ and make your own vibration from inner side during exhaling the breath by nostrils. Attention on your heart chakra. Make one own vibration. On your third eyes, again make a vibration. अपना ध्यान अपनी नाभि पर रखें keep an attention on the navel area and do the kapal bhati pranayam up to your age how old you are do the as per your age kapal bhati pranayam spine straight do the inhaling exhaling breath and exhale when you exhale a little bit along with pressure on the navel area and nostrils Keep the both hand palm on your pimples. अपने गालों पर अपने दोनों हाथ रखें. From down side, both palm मिल जाएंगी हाथ के. And just a V shape covering your both pimples. Allow your any thought or any emotion, attention on your touch, where your hand and your dimples, आपके गाल और आपके हाथ जहां स्पर्श कर रहे हैं पूरा ध्यान उस पर रखें अगर कोई विचार बीच में आ जाता है तो विचारों के साथ भी अपने मन को जाने दें फील द लेफ्ट पाम इज योर मदर आपकी मां का हाथ आपके गालों पे रखा है सोचें कल्पना करें महसूस करें थिंक इमेजिन एंड फील
जो भी हो रहा है होने दे। मन जहां जाना चाहता है जाने दे। अलाउ योर माइंड, फ्री योर माइंड। यू वॉन्ट टू गो विद द थॉट्स और इमोशंस। व्हेनेवर यू फील फ्री, जस्ट फोकस ऑन the touch portion where your hand is touching your temples. How your mother wash your tears? Assume your left hand, give the gentle massage to your टिम्पल्स एरिया, गालों के स्थान को प्यार करें। योर फोर फिंगर्स गोइंग ऑन दैट पोर्शन, व्हेन टीयर्स कम एंड योर मदर वॉश, आपकी माँ इसमें से आपके आंसू जब पोंछती थी उसी प्रकार के पलों में अपने आप को ले जाए। Just become aware, touch of the right palm and your dimples. Feel the presence of your father head. Keep continuing inhaling and exhaling. Now from the both hands, cover your eyes. Both palms. Your nostrils are in between the palm. Inhale and exhale. Be with your thoughts. Increase the speed of inhaling and exhaling. Relax. Now cover your ears. अपने कानों को ढक लें चारों उंगली से। Bottom portion of the palm is facing, touching your dimples.
हथेली का निचला भाग गालों को स्पर्श कर रहा है, प्रथम चार उंगलियां कानों को कवर किए हैं। Keep the both palm on your knees. Become aware of your face. Still the face, feeling the touch of your head. Bring your attention there. Whole attention on the face part. जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी और तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, ओ तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तेज बहेंगी समय की ये राहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। अरे नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ जो रहा जो सफर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, नाव तो क्या बह जाए किनारा,
बड़ी ही तेज समय की ये धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। Increase your positivity, reduce your negativity. We have to face every bothration and worries and challenges. Pitrugunaya vidmahe जगत धारिण धीमहि तन्नो पितृ देवो प्रचोदयात्। Whenever you feel complete, you can open your eyes along with a smile. जब भी पूर्णता का एहसास हो, अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। स्टिल द टच ऑफ योर हैंड फीलिंग ऑन योर फेस। अभी तक हाथों का स्पर्श आपके साथ है। Cover the water glass whenever you open. Become aware of your own face. You are very blessed. And drink water. Good. Good. How many connected with that process? Kitne log connect ho paaye process se? How many? Jaya, Deepika ji, Bhanu ji, Rupa ji, Pratibha ji, Basu ji, Eleveli, everybody now. Very, very good. So, it is just a start. Tomorrow, I am going to introduce one distance meditation, a new word in the meditation world. Dhyan ki duniya mein, ye pehli baar hoga. Aap bhi yaad rakhiyega. Distance meditation is the chain of aura meditation. Distance meditation. Tomorrow, we are going in a chain of auric meditation, distance meditation. Where you can watch. You just watch your cloth hanging in your wardrobe. Yes. In the same way, tomorrow we will try to see ourselves from a distance. Clear? Clear? Sunday, okay. 8:30 to 9:30. Yes, anybody want to join in the Bhasma Yoga session tomorrow, 10:30? Jayaji just mentioned Bhasma Yoga because the new participant, the Bhanu is a new, you know, they want to join, Neha also new. You know, so just anybody want to join, anybody can join that morning 10:30 session Bhasma Yoga. Jayaji mentioned in the group and tomorrow 10:30 morning and 8:30 tomorrow again we meet. For the distant meditation. Today's remedy,
how first of all we have to increase our aura. Aura is not our head. We don't require to increase. Oh my God, I am trying to. No, you can't do it. You just control your sense organ, automatically it will illuminate. अपने आप बढ़ेगा. अगर अंधेरा खत्म करोगे तो प्रकाश तो स्वयं माना है. मेरे को प्रकाशमान होना है. अरे प्रकाश मत मन हो, जीवन से जो अंधकार है उसको दूर करो. यस, तो वी आर रिमूविंग द डार्कनेस. ओके, तो आज सुबह आज शाम को सोते वक्त वही प्रोसेस आप करना. थोड़ा प्रेस, इसको प्रेस कर लेना आप थोड़ा हाथों से दबा के. जो भी विचार आए एंजॉय विद योर थॉट्स. स्वाध्याय करते करते भी आप कर सकते हो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. देखिए थोड़ा प्रेस करोगे थोड़ा और ज्यादा प्रेजेंस लगेगी. और मतलब एटलीस्ट 3 to 4 minutes करना और सो जाना. मे बी पॉसिबल यू फील द यू आर स्लीपिंग इन ए वन टाइप ऑफ प्रोटेक्शन मेटेड बाय यूर सेल्फ ओन. वी आर आस्किंग फ्रॉम अदर्स. वो गुरु जी मुझको प्रोटेक्शन दो. गुरु जी मेरे लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं. आपके हाथ से ज्यादा किसी और का हाथ का प्रोटेक्शन नहीं हो रहा. और आपके हाथ में, इस हाथ में आपकी माँ की ताकत है. इस हाथ में आपका पिता का आशीर्वाद है. इसमें माँ की ममता है, इसमें पिता का भय है. दोनों हाथ लेके चलो एंड फील द चेंज. अच्छा, एवरीबॉडी फीलिंग कूल ना? थोड़ा अच्छा लग रहा है, पीसफुल लग रहा है. ओके, सो टुमारो वी आर गोइंग टू मीट एट 10:30 इन द मॉर्निंग एंड 8:30. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर योर स्माइल. आई एम विथ यू. सरेंडर योर ऑल बॉदर्स एंड वरीज टू मी.